प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहाँ है, कैसे मिलता है, किसने देखा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर पूजा तो करते हैं उस परमात्मा की, वो हमारा पति है, स्वामी है, मालिक है, प्रभु है। और लेकिन यहां ब्रह्मा विष्णु महेश भी हमारे देवर जेठ समझ लो, यानी हमसे जिनका अभिन्न संबंध है, तो ये इनसे हम इनका अनादर नहीं बताया परमात्मा कबीर जी ने, या इस दास ने भी कभी ऐसा नहीं कहा। लेकिन जब हम इनसे न्यारे होंगे, जब हम इनसे अलग होंगे, सतलोक अपने घर में जाएंगे, अपने पति के साथ जाएंगे, तो फिर हम यहां नहीं अपनी चम्मच भी छोड़ दें, यानी अपनी सारी कमाई को साथ ले जाएंगे और इनसे हमारा कोई लिंक नहीं रहेगा। अपुण्यात्माओं, समझदार को संकेत बहुत होता है। अब जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में, गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में एक विशेष विवरण है, उसमें यह बताया गया है कि जो अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से लेकर 31 तक जिन साधनाओं के बारे में विवरण दिया है कि कोई तो ऐसे साधना करता है, कोई योग अभ्यास ही करता है, कोई सौध्याय ही करता है, नित पाठ कर लेता है गीता जी का या किसी अन्य का, ये साधना जो प्रत्येक कर रहा है वो अपनी साधना को पाप नाशक जानता है, यानी उसे मोक्ष मानता है। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में बताया है कि इस प्रकार की बहुत सी विस्तार के साथ वर्णित साधनाएं सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में अनुवादकर्ताओं ने गड़बड़ कर रखी है। ब्रह्मणे का अर्थ इन्होंने वेद कर दिया और मुखे का अर्थ कर दिया वाणी। इन्होंने ब्रह्मणे मुखे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी, जबकि 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में ये स्वयं अनुवादकर्ता ब्रह्मणे का अर्थ करते हैं सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी परम अक्षर ब्रह्म। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि भगवान वो तत्ब्रह्म कौन है जिसके विषय में आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा है कि उस तत्ब्रह्म को, उस ब्रह्म को, तत्ब्रह्म माने उस ब्रह्म को, अन्य कोई परमात्मा है, ब्रह्म माने प्रभु, उस ब्रह्म को और सारे अध्यात्म ज्ञान को और सब कर्मों से जो परिचित हो जाता वो केवल जरा और मरण, जरा माने बुढ़ापे है और मरण माने मृत्यु से ही छूटने का प्रयत्न करता है, तो वो तत्ब्रह्म कौन है। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में गीता जी में अर्जुन ने प्रश्न किया, इसका उत्तर दिया गीता ज्ञान दाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म की वाणी में उस मुखे माने अपने मुखारविंद से उस परमात्मा ने स्वयं आकर जो ज्ञान कहा है वो सच्चिदानंद घन की वाणी कबीर वाणी में वो विस्तार से कहे गए हैं, वो ज्ञान
सब अनुष्ठानों की जानकारी दी गई है, कौन सी ठीक है, कौन सी गलत है, कौन सी करनी चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा कि उस विस्तृत ज्ञान और परम अक्षर ब्रह्म के विषय में जानकारी तत्वदर्शी संतों से पूछो जो सच्चिदानंद गण की वाणी से परिचित हो, क्योंकि वो सच्चिदानंद गण ब्रह्म की वाणी गीता और वेदों से अलग है, भिन्न है, वो कबीर वाणी है। तो चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो सच्चिदानंद गण ब्रह्म की वाणी में, परम अक्षर ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में जो ज्ञान लिखा है, उन तत्वदर्शी संतों से पूछो और उनको विनम्र भाव से प्रार्थना करो, सरल भाव से प्रणाम करो, दंडवत प्रणाम करो, विनम्रता से प्रसन्न करो, तब वो तत्वदर्शी संत तुझे वो परमात्म तत्व का तत्व ज्ञान बताएंगे, परमात्म यानी उस पूर्ण परमात्मा के विषय। उसकी पहचान क्या है? गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में पहचान बताई है कि जो संसार रूपी उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट्स ऑफ द ट्री बता दे, उस वृक्ष के सभी पार्टों को बतावे भिन्न भिन्न सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। अपने आत्मा परमात्मा आए थे 600 साल पहले, सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष तक परमात्मा यहां रहे, एक साधारण से मनुष्य का जीवन जीकर चले गए, तत्व ज्ञान हमें समझा गए, दुल्हे का की पदवी पाई, लोग दुल्हा कहने लगे। परमात्मा कहते हैं मात पिता मेरे नाही ना मेरे गरदासी। कबीर परमेश्वर ने कहा कि ना तो मेरे माता पिता हैं और ना मेरी कोई पत्नी है। जुल्हे का सुत आण कहाया, ये जगत करे मेरी आसी। मात पिता मेरे नाही ना मेरे गरदासी, जुल्हे का सुत आण कहाया, ये जगत करे मेरी आसी। परमात्मा कहते हैं ना मेरे माँ बाप से भाई, ना मेरे कोई औरत थी, और जुल्हे का बेटा कहलाया मैं, क्योंकि कोई संस्कार थे मेरे, ऋण के मैंने इनका वायदा किया था, और जगत मेरी मजाक उड़ा रहा है, मुझे पहचान नहीं रहा, ये बोलिया तो है। तो उस परमात्मा ने बताया था 600 वर्ष पहले, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, और तीनों देवा शाखा है ये पात्र संसार। पुण्यात्माओं, अब कलेजा भर भर का आता है इस दास का कि यदि पहले उस परमात्मा जब स्वयं आए थे, ये नीच आत्मा बीच में ना होते, नकली संत ऋषि महर्षि ये गुरु ब्राह्मण, तो आज इस दास ने इतना कष्ट ना उठाना पड़ता, गुंडा को आऊं और सच्ची बात बताऊं, क्योंकि उन दुष्ट आत्माओं का फिर आग लग गई जिनके दुकानें बंद होनी थी, इन आचार्यों के, गुरुओं के, नकली संतों की, दुनिया को भ्रमित कर डाला। ये तो दुश्मन है इस मानव के, क्योंकि वो नहीं चाहते कि ये आकर के अपना कल्याण कराने भगवान के चरणों में आ जाए। तो 600 साल पहले यदि परमात्मा स्वयं आए थे और उस समय ये सारा ज्ञान शुरू हो जाता, आज ना जाने कितनी दुनिया पार हो जाती। तो उस परमात्मा ने 600 साल पहले ये सिंपल वर्डों में, साधारण भाषा में, कि आम आदमी समझ ले, ना इसमें किसी ट्रांसलेटर की जरूरत, ना संस्कृत पढ़नी होती है कि अक्षर ज्ञान हो हिंदी का, और सृष्टि रचना का ज्ञान हो, वो ज्ञान ये दास अब आपको करा ही रहा है, करा देगा। फिर बालक भी समझ जाएगा कबीर वाणी को, पढ़ते पढ़ते आपके सारे जो है ना अपने आप कंसेप्ट क्लियर होने लग जाएंगे, जिसमें आपको सृष्टि रचना पूरी याद हो जाएगी, और याद होने के बाद उस पर विश्वास होना चाहिए, नहीं तो ये मन है ये बड़ा चंडाल है, ये काल का दूत है, सच्चाई को स्वीकार नहीं करने देता। सृष्टि रचना में जब आते हैं, सौ सौ मन में शंकाएं पैदा करता है, और पहले से किसी गोपोण सुने जाता, कति शंका नहीं थी इसमें। तो उस परमात्मा ने आज ये वेद और गीता अपनी साधारण भाषा में, पुराण सिंपल लैंग्वेज में लिखवा दिए थे। आज दास इसलिए तुलना कर रहा है वेदों और गीता से और पुराणों से,
ताकि आप समझ सको कि कबीर इज गॉड, आपको विश्वास हो सके कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड, परमात्मा कबीर ही परमात्मा है और कोई भगवान है ही। ब्रह्मा विष्णु महेश और ये ऋषि महर्षि तो वेदों से परिचित नहीं थे और वेदों में कंप्लीट ज्ञान नहीं है, उसमें ऑप्शन छोड़ दी है कि उस पूर्ण परमात्मा के विषय में तो किस तत्वदर्शी संत के पास जाओ। वेद ज्ञान और गीता ज्ञान हम झूठा नहीं कह सकते, गलत नहीं कह सकते, लेकिन इनकम्प्लीट है। तो इनकम्प्लीट कोई भी चीज है वह इनकम्प्लीट ही होती है। पूरी गाड़ी बन गई मोटर कार और स्टेयरिंग को ना एक छोटा सा पहिया सा ऊपर तो चल रहे को नहीं वहां क्योंकि चला उसमें, यानी इनकम्प्लीट तो इनकम्प्लीट है वो, चाहे किसी चीज से भी एक नट भी ना हो ना उसमें कार्बेटर उसका तो उसमें भी बगड़ बड़ो कर दिया। तो ये इनकम्प्लीट ज्ञान है गीता और वेदों का, लेकिन गलत नहीं। और परमेश्वर कबीर जी का ज्ञान जो कबीर वाणी है वो कंप्लीट ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में बताया है कि वो तत्वदर्शी संत होगा कैसा, देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है, अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 1। अथ पंचदशो अध्याय प्रथम मंत्र है। अपुणात्मा आप भी अब अक्षर ज्ञान युक्त है, अब संस्कृत को हम भी पढ़ सके हैं। अब देखो ये नागरी लिपि है, नागरी लिपि ऊर्ध्व मूलम, ऊर्ध्व माने ऊपर को, मूल माने जड़, ऊर्ध्व मूलम अध शाखम, अध माने नीचे को, शाखम माने शाखाएं। अश्वत्थम प्राहु अगम, एक पीपल का वृक्ष, संसार रूपी पीपल का वृक्ष, ये अविनाशी वृक्ष समझो जानो कहा जाता है। छंदासी यस्य प्रणानी, छंदासी यस्य प्रणानी, छंदासी माने विभाग, छंद नरे नरे जिसके पत्ते आदि इसके कुछ अंग है। यह तम वेद जो उन सभी पार्ट्स को जानता है, सै वेदवित वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। अब इनकी अनुवाद देखिए क्योंकि इन्हीं के अनुवाद से हमें ज्यादा विश्वास होगा। ऊर्ध्व मूलम, इन्होंने लिखा है आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले, अनुवाद यहां इसने कुछ ठीक है। ऊपर इसमें लिखा था ऊपर को जड़ रूपी, ऊपर को मूल रूपी, ऊपर को ऊर्ध्व माने ऊपर को लिखना था, ऊपर को आदि पुरुष परमेश्वर रूपी मूल वाले, यहां गड़बड़ कर दिया। अध शाखम, अध्य का अर्थ नीचे लिखना था, नीचे को शाखा वाला, इन लिख दिया ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले, ये कोई तो कोया। अब यहां अध्य का अर्थ इन और रंग अकर दिया। यहां देखो इस दूसरे श्लोक में इन्होंने ही अध्य माने, अध्य माने नीचे, ठीक है, ऊर्ध्व माने ऊपर, देखो ऊर्ध्व ऊपर, अध्य माने नीचे, या फिर देखो अध्य माने नीचे, बिल्कुल ठीक है, यहां गड़बड़ कर दी इन्होंने, यहां हम ठीक कर लेंगे। ऊर्ध्व माने ऊपर को आदि पुरुष परमेश्वर रूपी मूल वाले, यानी ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा इस उल्टा लटके संसार रूपी वृक्ष के, और अध्य माने नीचे को शाखा वाला। पहले आपको ये पेड़ दिखा दूं फिर जचेगी आपके, तो पढ़ना बहुत समझना बड़ा आसान हो जाएगा। ये देखिएगा ये है ऊर्ध्व मूलम, ऊर्ध्व मूलम अध शाखम, ऊर्ध्व मूलम और अध शाखम, ऊपर को जड़ और नीचे को
तीनों गुण रूपी शाखा रजगुण कर्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी, यह भी दिखाएंगे आपको। ये देखिए ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को आदि पुरुष परमेश्वर यानी परम अक्षर ब्रह्म, ये परम अक्षर ब्रह्म तो ये जड़ है। ये कौन है? ये कबीर देव है, कबीर साहब है, वो पूर्ण ब्रह्म है। बनारस में जो काशी में जो महारूप में एक भूमिका की, ये तो परम अक्षर ब्रह्म है। अध शाखम, ये नीचे को तीनों गुण रूपी रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु और महेश यानी तम गुण शिव जी, और नीचे को ये पात है। परमेश्वर ने इस गीता का एक बहुत एक ही श्लोक में सारा वर्णन कर रखा। कबीर, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसारे। ये मेरे मालिक इस गछामी गछामी गछंती मत के मैं स्वाद विनानता पढ़ने में, और इस वाणी में पढ़ती आना गद गद हो जाती आत्मा, और फिर उसमें एक लावर ट्रांसलेटर को उल्टा गढ़ दे, कोई उल्टी गढ़ दे, कितना मात्रा अलंता मुड़ जे रहेंगे तो। और कितनी प्यारी व्याख्या कर रखी परमात्मा ने, अक्षर पुरुष एक पेड़ है निरंजन वाकी डार, और तीनों देवा शाखा है ये पात्र संसार। अपने आत्मा विद्वान भी वही थे भगवान। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 में ये बताया है कि कोई तो परमात्मा ने जन्म लेने वाला कह है भाई वो उत्पन्न होता है, कोई कहता वो उत्पन्न होता ही नहीं, वो आता ही नहीं। कहते हैं ये ज्ञान भी तत्वदर्शी संत बताओगा, उससे सुनो। फिर लिखा है कि किसी ने अक्षर ज्ञान होगा, किसी के पास विद्या है तो उसको तो कह देते हैं विद्वान, और जिस जो अविद्या है जिसके पास यानी अक्षर ज्ञान नहीं है उसको अविद्वान कह देते हैं। विद्वान और अविद्वान की परिभाषा भी वो तत्वदर्शी संत बताओगे, उनसे सुनो। अब ये संस्कृत भाषा के पढ़ने वाले, ये मैं ऋषि की पदवी पाने वाले ब्राह्मण को आंखे इन कह कह का ज्ञान नहीं था अध्यात्म ज्ञान का, तो विद्वान कहां से हो गए? विद्वान तो ये परमात्मा थे कबीर जी, जिन्होंने वेदों गीता और पुराणों का, जबकि ये संस्कृत भी नहीं जानते थे मान लीजिए उन्हीं की भाषा में, और उस परमात्मा ने ये खोल कर दर दिए सारे, पहले अपने सिंपल लैंग्वेज में अनुवाद कर रखे हैं, इसमें आज सही मिल रहे हैं। तो कबीर इज गॉड, यही परमात्मा थे, यही परमात्मा है और यही विद्वान है, यही महाविद्वान थे, लेकिन अविद्वानों ने हमें इस विद्वान तक पहुंचने नहीं दिया। पर अब समय आ गया, कुछ नहीं बिगड़ा। कहते हैं जब भी दाव लग गया उसी समय पीछा छुटवा ले। एक बार एक भगत साधना कर रहा था, एक संत पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए, और कुछ बहनें जा रही थी, उनसे पूछा बहनों कहां जा रही हो तुम? कहने लगे एक ऋषि के पास जा रहे हैं और वो भूत भविष्य की सारी जानता है। तो उसने कहा कि मेरे बारे में बहनों पूछ के आना, मेरा मोक्ष कितने दिनों में हो जाएगा? अच्छा भाई पूछ कहां आवेंगे, तेरी भी पता कराएंगे। तो अपनी बातचीत करके उसने उस ऋषि से कहा, जानने वाले से, कि जी ऐसे ऐसे एक साधक है, उसकी एक प्रार्थना है, उसका मोक्ष कितने दिन में होगा? तो उस भविष्य वक्ता ने बताया कि जितने पीपल के पेड़ के पत्ते हैं इतने जन्मों में उसका मोक्ष होगा। अब उन बहनों ने सोचा भाई यदि उसको हमने यह बात बता दी तो उसका तो हार्ट अटैक हो जाएगा, वो तो बेचारा इच्छुक है भगवान की जल्दी मोक्ष हो मेरा। तो उन्होंने सोची उसके दूर से चलते हैं, वो दूर से जाने लगी यानी 5-4 किले दूर से यानी 1000 फुट की दूरी से दूसरे रास्ते से जा रही थी, वो भाग्या गया उनके पास। कहने लगे बहनों मेरे बारे में पूछ कर आए तुम? वो कहने लगी भाई पूछता है पर बाबा जी तू सहन नहीं कर सकता, अगना बहन बता दो, जो भी बताई है मुझे बता दो। वो कहने लगी भाई जिस पेड़ के नीचे तू बैठा ना पीपल के पेड़ के, नो बताया कि उसके जितने पत्ते हैं इतने जन्मों में तेरा मोक्ष होगा। वो तो डांस करने लग गया, नच चैर न बोले बे बे बलाओ थरा,
तो बोले रे तो हास नाच क्यों रहा है, तुम डरोना चाहिए था। नहीं, कम से कम अंत तक आ गया। अगे इस पीपल के पत्ते जितने हैं इतने दिन में तो होगा, मोक्ष तो होगा मेरा। कहने का भाव यह है पुण्यात्माओं, हमने इतने धक्के खत्यान हो लिए और अब परमात्मा ने यह संतोष दिलाया था उस समय कि अपने बच्चों को रास्ता दूंगा, क्योंकि काल ने ये कहा था सतयुग में परमात्मा आए थे जो पहली प्रथम बार उसने वसम ले लिया था कि तीन युगों में सतयुग त्रेता द्वापर में जीव कम ले जाना और कलयुग में आपकी मर्जी कितना ले जाना। तो परमात्मा ने ये सोचा था कि अब कलयुग में ही इनका मोक्ष करूंगा। तो पुण्यात्मा आपने हमने ये इंतजार करना पड़ा कि शुक्र मनाओ कि आपके असंख्य जन्म हो गए, अंत वाला जन्म आ लिया, आखिरी पत्ता आ गया, ये लास्ट पत्ता आ लिया पीपल वाला जो समझ लो। और ईब का चूकियो मतना, क्योंकि हम यहां काल के जाल में क्यों रह जाते हैं, क्योंकि अब यु भक्ति युग आ गया और इब काल ने पहले वादा किया था कि कलयुग के उस पिछली पीढ़ी तक तो इस इंसान को इतना बिगाड़ दूंगा यु भक्ति योग रह को नहीं, और ऐसा गलत ज्ञान से भर दूंगा ये विश्वास करे नहीं। परमात्मा ने कहा था कि वो मेरा काम है तो वो छोड़ इस बात। तो परमेश्वर कबीर जी ने आकर के उस समय 600 वर्ष पहले ये ज्ञान दिया था, इन अज्ञानियों ने नहीं आगे आने दिया। परमात्मा ने संतोष किया कि कोई बात नहीं, और 10-5 जन्म और भटक लेंगे बेचारे, इनको फिर लूंगा शरण में। क्योंकि जब परमात्मा आए उसने हमें चार्ज कर गए, 64,00,000 शिष्य हुए थे परमात्मा कबीर जी के आज से 600-550 वर्ष के बीच में, 500 वर्ष के बीच में, आज से 500 और 600 वर्ष के बीच में समझ लो, क्योंकि 1398 में परमात्मा प्रकट हुए थे, 1518 में गए थे, इस बीच में 64,00,000 से हुए थे पूरे भारतवर्ष के। उस समय भारतवर्ष कहां तक था, पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, बलोचिस्तान, अफगानिस्तान, ये इराक, ईरान, गढ़ गजनी, यहां तक पूरा भारत ही था, और कुल आबादी 4 करोड़ होगी मुश्किल से पूरे भारतवर्ष की 600 वर्ष पहले। और उस समय 64,00,000 से हो गए थे परमात्मा के, क्योंकि जैसे आजकल तो मीडिया चल रहा है, एक टीवी करोड़ों जगह दिखा देता है, घर बैठे सत्संग सुन सकते हैं। उस समय ऐसे साधन नहीं थे, लाउडस्पीकर भी ना थे और ना व्हीकल थे। तो परमात्मा एक दिन में 100-100 जगह प्रकट होया करते, उसी रूप में 100-100 जगह और वहां प्रचार चर्चा किया करते थे और उनको सुख देते थे। सुख को देखकर उनके दुखों का निवारण होने से प्रभु से उपदेश लेते थे, नाम देते थे। तो फिर हम दूर कर दिए न ज्ञानियों ने कि ये शिक्षित नहीं है, ये नहीं जानता जी ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में, तो हमने विश्वास नहीं किया कि ये भगवान है। और परमात्मा खुद कहा करते, हम ही अलख अला हैं और कुतुब गोश और पीर, गरीबदास खालिद धनी मेरा नाम कबीर। लेकिन हमने माना नहीं, इन अज्ञानियों ने हमें मानने नहीं दिया। तो उस दयालु ने ये कृपा की, हमें चार्ज करते रहे और फिर सोच लिया था चलो कोई बात ना, और 10-20 जन्म और भटक लेंगे। अब वो समय आ गया, वो आखिरी पत्ता आ गया पीपल का। अब पुण्यात्मा कहते समझा है तो सिर दर पाऊं और बोहर नहीं रे ऐसा दाओ, ये मौका फिर नहीं मिलेगा। समझा है तो सिर दर पाऊं, अगर तेरा न्यू समझ मांगी तो मनुष्य जीवन फिर नहीं मिलेगा, और मनुष्य जीवन मिल गया तो ये ज्ञान नहीं मिलेगा, ये भगवान नहीं मिलेगा, ये मंत्र का जाप नहीं मिलेगा। तो कहते समझा है तो सिर दर पाऊं, सिर पर पाऊं धरना, जैसे आपत्ति काल में बहुत स्पीड से भागता है इंसान। कहते ये आपत्ति काल समझ ले, जय एक बार प्राण छूट गए मृत्यु होगी, फिर ना बेरा कितने गहरे जेरे कुएं में डाल देगा, 84,00,000 योनियों में भटकता भटकता है, और फिर कभी मनुष्य जीवन मिलेगा फिर संत मिले नहीं, खाए जाओ धक्के। तो
तो 600 वर्ष पहले परमात्मा ने सबर किया, कोई बात नहीं आने दे, विचली भी दिन तब देखेंगे नहीं, अब देख लेना पूरे विश्व में जाएगा ये प्रचार, हमारे प्रचार को रोकने वालों की कमी नहीं। लेकिन यु तोब का घोड़ा क्यों रुकेगा, और ज्ञान सब ज्ञानी कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का अब करता चले मैदान। अब मैदान होने लग रहा, सबके नकली किले बनाए बैठे थे, आप अपने ग्रंथ छापे बैठे थे, ये अनुभव की पुस्तक बना रखी थी नालायका ने, अब बुद्धिमान समाज तुरंत समझ रहा है और पूरी स्पीड के साथ आ रहा है। और यहां आने के बाद जब ज्ञान समझ में आ गया, रोया करोगे अकेले बैठ कर, रजाई में मुंह दे दे के, भगवान तो युवन रास्ता नहीं मिलता, कहां क्या होता हमारे स्मरण के जीव का। आपको बहुत याद आएंगे ये दिन, आपको वो व्यक्ति भी नहीं भूला जाएगा जिससे बुक ली थी, ये याद रख लेना, जिसने जिस भी मीडिया से आप यहां आए हो, किसी भी माध्यम से, आपको वो दिन भी याद रहेगा। ये परमात्मा, हम गए थे हरिद्वार धक्के खान, हम गए थे कुरुक्षेत्र में नहाण, अरे या बुक मिली थी, बाण बहन बांट रही थी या कोई भाई बांट रहा था, अब बेशक से उसकी सकल भी याद ना रहे उस व्यक्ति का, लेकिन वो दिन वो स्थान आजीवन याद रहेगा कि मेरा जीवन बदल दिया। परमात्मा कहते मेले ठेले जाइयो, मेले बड़ा मिलाप, और पत्थर पानी पूजता कोई साधु संत मिल जाते। होए होए, परमात्मा कह रहे हैं कि जब तक तुम्हें संतुष्टि ना हो तब तक भरमते भटकते रहना, परमात्मा की तलाश में कहीं ना कहीं धक्के खाते रहना, और हो सकता है वो पत्थर पानी पूजता ना कोई संत साधु मिल जाए, ये साधु संत मिले। आज आते हैं भक्तजन, कहते मैं तो हरिद्वार गया था कुंभ के मेले में, कोई कहता मैं वहां गया था कुरुक्षेत्र में, कोई कह रहा हम मथुरा में हम परिक्रमा देने गए थे, वहां भक्त बांट रहे थे पुस्तक, या पुस्तक मिली, मेरा तो अंधेरा हट गया, ओहो कति ऑपरेशन हो गया आंखों का, बहुत पश्चाताप कर रहे हैं कहां भटक रहे थे। तो पुण्यात्माओं, ये पुण्यात्मा जो भक्त हैं, ये संत हैं, ये पुण्यात्मा हमारे बच्चे, और जाकर के वहां मेले ठेलों में जाते हैं अपने, क्योंकि हम भी नए भटक्या करते थे, हमें भी चाह थी भगवान की, लेकिन हम डले ढोरे थे। अब हमें पता लग गया, हमारे बच्चों को पता लग गया, अनुयायियों को, कि ये सभी ऐसे ही दुखी हैं, सब परमात्मा के लिए घूम रहे हैं परंतु वहां भगवान है नहीं। वो साधु संत, ये बेटी बहन भाई, ये साधु संत मिल गए उन पत्थर पानी पूजनिया ने, आज वो यहां आगे बेचारे। अब आप आए, परिवार को लाए, रिश्तेदारों को मैं जाकर समझा रहे हैं कि आ जाओ परमात्मा मिल गए। पुण्यात्माओं, जब खजाना हाथ लग जाता है ना, तो फिर आप भी लूटे और अपने संबंधियों को भी कहता है जाओ भाग जाओ जल्दी जल्दी लूट लो, तो वो समझदार व्यक्ति होता है। तो ऐसे ही आप जी ने अपने सब मित्रों को, रिश्तेदारों को, भाई बहनों को, सबको बता देना चाहिए कि वहां खजाना लूट रहा है अध्यात्म ज्ञान का। कहां सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में। अब हम अपने उसी प्रसंग पर आते हैं। तो कबीर परमात्मा ने 600 वर्ष पहले लिखा था कि अक्सर पुरुष एक पेड़ है निरंजन वा की डार। अब देखिए एक बार इस संसार रूपी वृक्ष को, ये पूरा वृक्ष देखो, यह संसार रूपी वृक्ष, ऊर्ध्व मूलम अध शाखा। काल भगवान गीता ज्ञान दाता ने केवल दो संकेत किए हैं, ऊपर को जड़ वाला और नीचे को शाखा वाला, यह उल्टा लटका हुआ, आप उल्टा लटका हुआ होगा तो ऊर्ध्व मूलम अध शाखम होगी, तो संसार रूपी ये पीपल का वृक्ष कहा गया है। और इसके छंद पत्ते आदि, फिर प्रणाणी, ये पत्ते आदि उसके विभाग हैं, ये जड़ शाखा और पत्ते ये उसके विभाग हैं, और जो इनको जानता है सह वेदवित वो तत्वदर्शी संत है। अब इसको, अब गीता जी पढ़िए आप, श्रीमद् भगवद गीता और ये अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 1, ईब समझ में होगा आपका, ये प्रथम मंत्र,
ऊर्ध्व मूलम ऊपर न जड़वा, ऊपर को आदि पुरुष परमेश्वर रूपी यानी पूर्ण परमात्मा तो जड़ है, और अध शाखम नीचे को शाखा वाला, अश्वथम ये पीपल का दृढ़ अविनाशी वृक्ष कहा गया है, और छंदासी ये से प्रणाणी, प्रणाणी माने पत्ते, छंद आदि ये छोटे छोटे विभाग जो पत्ते आदि इसके विभाग हैं, जैसे जड़ और शाखा और ये पत्ते उसके विभाग हैं, उन विभागों को ये तम वेद जो उस अज्ञान अंधकार में छुपे हुए उस सभी पार्ट्स ऑफ बॉडी को ट्री के जानता है, स वेदवित वो तत्वदर्शी संत अविनी की पढ़िए, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले, यानी ऊपर को जो मूल है जड़ है वो तो परम अक्षर ब्रह्म है, ये ठीक लिखा, आदि पुरुष परमेश्वर यानी गीता ज्ञान दाता से कोई और है ये परमेश्वर, अध शाखम नीचे को शाखा वाला, ये ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले ये नहीं, यहां देखो फिर है, संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे, छंदासी माने वेद, छंद माने नारे नारे टुकड़े, हम यहां छंद माने विभाग समझना चाहिए, ये आवश्यक नहीं होता कि एक अक्षर का एक ही अर्थ होता है, पत्ते कहे गए, यहां देखना उस संसार वृक्ष को, ओए जो मूल सहित तत्व से जानता है, मूल सहित जड़ से लेकर पत्तियां पे ही बता दे, और स वेदवित वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है या पहचान बता दे। अब दूसरे में देखो, उस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण रूप, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी, ये जल से बड़ी हुई नहीं, यहां देखना, विषय पर वाला शाखा यानी तीनों गुण रूपी तो उसकी शाखा है, इतना सा ये कुछ भी लिख रहे हो चाहिए, इसका सीधा अर्थ ये नीचे और ऊपर फैली हुई है, सर्वत्र नहीं है, ऊर्ध्व माने ऊपर और अध माने नीचे फैली हुई, और मुनि श्लोक में इस पृथ्वी पर कर्मानुबंधनी मूलानी, ये कर्मों के अनुसार बांधने वाले भी मुख्य कारण है, जड़ है, यानी यहां जड़ उस वृक्ष वाली जड़ से नहीं, जिन्हों कह रहे हैं यू बेगन की जड़ से, तो ये हमें कर्मानुसार अपने कर्मानुसार यहां रोक के रखने के भी मुख्य मूल कारण है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गुण, और नीचे और ऊपर व्याप्त है, सभी लोकों में नहीं, केवल ऊपर स्वर्ग लोक में, नीचे पाताल लोक में, और हम पृथ्वी पर ये ज्ञान सुन रहे हैं पढ़ रहे हैं, बस इतना तीनों लोकों। अब तीसरे में क्या कहा कि इस संसार का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहां विचार काल में नहीं है। अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं इस अध्यात्म ज्ञान से इस संसार की पूरी सृष्टि रचना से परिचित नहीं हूं, यानी गीता के ज्ञान में मैं कंप्लीट नहीं बता पा रहा हूं तुझे। इस संसार वर्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहां विचार काल में नहीं है, तेरे मेरे डिस्कशन में गीता जी के ज्ञान में आपको कंप्लीट नहीं बता पाऊंगा, नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है, न इसका अंत है, और न इसकी अच्छी प्रकार सटीक है, इसलिए इस सो विरुद्ध मूलम यानी जिस संसार रूपी वृक्ष की जड़ मजबूत है, अविनाशी स्थान है वो सतलोक, वहां से सतपुरुष, इसलिए सो विरुद्ध मूलम, ये अहमता ममता कुछ नहीं, अति दृढ़ मूल वाले इस पीपल के वृक्ष को दृढ़ असंख्य शस्त्रियन छिटवा नहीं, इन्होंने लिखा वैराग रूप शस्त्र द्वारा नहीं, असंख्य शस्त्रियन माने तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट कर, अर्थात अच्छी तरह समझकर, तत्वदर्शी संतों से अच्छी तरह समझकर इस ज्ञान को, उसके पश्चात अब चौथे में देखो, ये चौथा श्लोक है पंद्रहवें अध्याय का चौथा श्लोक पढ़ेंगे, उसके पश्चात यानी तत्व ज्ञान प्राप्ति के पश्चात उस परम पद परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए
पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, यानी पूर्ण मोक्ष हो जाता है। और जिस परमेश्वर से पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिसने इस संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं, यानी गीता ज्ञान दाता से कोई और है वो, और उसके विषय में गीता ज्ञान दाता कहता मैं उसी की शरण हूं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उसी परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। अब यहां प्रसंग एक और रह गया कि तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सत्गुण विष्णु तमगुण शिव जी। अब ये कंसेप्ट क्लियर यहां करना पड़ेगा कि रजगुण ब्रह्मा है, सत्गुण विष्णु है, तमगुण शिव जी। और जब तक ये नहीं होगा तो गीता ज्ञान आप समझ ही नहीं सकते, किसी प्रकार की शोध बनी होगी। अपने आत्मा ये प्रत्येक सत्संग में श्रोतागण बदलते रहते हैं और परमात्मा की व्रजा होने वाली है, होगी पूरे विश्व में, ये इन टीवी चैनलों पर भी जाएगा, तो उसमें जो सुन रहे होंगे पुण्यात्माएं, अगर ये कंसेप्ट क्लियर ना हो कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, तो गीता जी का ज्ञान ये उल्टा लटका संसार रूपी वृक्ष समझ में नहीं आओगा, फिर वो भगवान से दूर रह जाएंगे। इसलिए दास का प्रयत्न है कि कोई ऐसी त्रुटि ना छोड़ूं जिससे काल का दाव लग जाए, अंधेरा बना रहे, इस अंधेरे को पूर्ण रूप से हटाया जाएगा ज्ञान को, तभी हम परमात्मा के निकट आ पाएंगे। ये देखिए श्रीमद देवी भागवत, यह संस्कृत सहित है, हिंदी में भी न गड़बड़ कर दिया अनुवाद करता न, क्योंकि ये तो अटकल लामा थे, ज्ञान इनको था नहीं। पहला भाग श्रीमद देवी भागवत प्रथम भाग, अथ देवी भागवतम सहभाष्टिकम सहमात्यम सहमहात्म, यहां देखिएगा तीसरा सकम। अथ श्रीमद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय सकंद प्रारंभते। अब इसके देखिएगा ग्यारहवें पृष्ठ पर, तीसरे सकंद में ग्यारहवें पृष्ठ देवी भागवत, और ये पांचवा अध्याय है, तृतीय सकंद का पांचवा अध्याय, और इसका मंत्र श्लोक नंबर आठ, सातवां यहां समाप्त हो जाता है। अब शंकर भगवान कह रहा है हे माता, अपनी दुर्गा माता को, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया, हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है, ब्रह्मा रजोगुण और हरि यानी विष्णु को सतोगुण किस प्रकार बना दिया, युक्त किए हैं। हाँ युक्त किए हैं। अब यहां देखो संस्कृत पढ़िएगा, यहां से ये सातवां समाप्त हुआ, आठवां शुरू होता है। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित, मैं कैसे बना दिया, अहम माने मैं, कथम माने कैसे, विहित माने उत्पन्न कर दिया, क्या तमोगुण, तमोगुण और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव, रजोगुण क्यों उत्पन्न कर दिया, सोविहित केमो सतोगुण हरि, और विष्णु जी को आपने सतोगुण क्यों बना दिया। इसलिए सिद्ध है रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब आपके फिर एक बार फिर देखना होगा तीनों गुण रूपी शाखा अध्याय नंबर 15 का श्लोक एक से लेकर चार तक आपने पढ़ा, ये देखिएगा अथ पंचदशो अध्याय, ये आपने पढ़ दिया। ऊर्ध्व मूलम अध्य साकम अश्वतम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले हैं,
अध्यमन नीचे को शाखा वाला। संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं वेद, जिसके पत्ते कहे गए हैं। और उस संसार रूप वृक्ष को जो व्यक्ति मूल सहित जड़ से लेकर आखिर तक जानता है, तत्व से जानता है, सह वेदवित वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला, यानी वो तत्वदर्शी संत है। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि वो तत्वदर्शी संत ऐसा होगा जो संसार रूपी वृक्ष के सारे पार्ट्स ऑफ द बॉडी बता देगा। ये परमात्मा ने 600 वर्ष पहले अपनी अमृतवाणी में बता रखी थी। आगे देखो, अब ये जो कंसेप्ट रह गया था दूसरे का, उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूपी रजगुण गर्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिवजी रूपी शाखाएं, विषय पर वाला शाखाएं, ये शाखाएं हैं और नीचे और ऊपर फैली हुई है। और यही हमें यहां इस कर्म बंधन में बांधने की मुख्य कारण है। इतना ही काफी है। अब फिर देखिएगा, ये संसार रूपी वृक्ष, अब इसमें परमात्मा ने क्या बताया था, जो जमीन से बाहर दिखाई देता है उसको पेड़ बोलते हैं, वृक्ष। परमात्मा ने बताया था अक्षर पुरुष एक पेड़ है, जमीन से बाहर जो दिखाई देता है सारा पेड़ कहलाता है। यानी ये तना तो समझो अक्षर पुरुष, और निरंजन वाकी डार, निरंजन ज्योति निरंजन काल को बोलते हैं, ये ब्रह्म भी कहलाता है। ये डार क्षर ब्रह्म अक्षर पुरुष या काल ब्रह्म, इस ज्योति निरंजन भी कहते हैं, निरंजन भी कहते हैं। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये अक्षर पुरुष तना है। निरंजन वाकी डार तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। अब फिर देखना होगा थोड़ा सा, गीता जी अध्याय नंबर 15 का ही श्लोक नंबर 16-17 और देख लो, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ है। पुण्यात्मा इस ज्ञान को आपके हृदय में दास ऐसे जचाना चाहता है जैसे हमने रामायण और महाभारत गोट रखी थी। और जब आपके हृदय में इतना समा जाएगी या सच्चाई, फिर आपके ऊपर अन्य किसी का असर नहीं होगा, चाहे कोई सिर पटक लियो, कितना बकवाद कर देना, कोई गुमराह कर लिया। और जब तक आप ऐसे सेट नहीं होगे तो आपने कोई बरमत कर दिया, अभी तक हमारा अंडोला बना रखा है, कोई इधर खींच ले जाता है, कोई वो गुरु बढ़िया है, कोई वो गुरु बढ़िया है। अब आप खुद जोरी बन जाओगे तो किसी से मार नहीं खाओगे। ये देखिए अध्याय नंबर 15 का, अध्याय नंबर 15 और श्लोक नंबर 16-17। इसमें क्या किया है, द्वौ इमौ पुरुषौ लोके क्षर से अक्षर है, ये सर्पुरुष ये अक्षर पुरुष, एवं च क्षर सर्ववाणी भूतानी कटुस्थ अक्षर उच्चते, इन्हीं के अनुवाद को पढ़ेंगे काफी सुलझ जाएगा। इस संसार में नाशवान और अविनाशी ये दो प्रकार के पुरुष हैं। पुरुष माने परमात्मा, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, सर्पुरुष और अक्षर पुरुष। सब पूर्ण प्राणियों के शरीर नाशवान है इन दोनों के लोकों में, इसके सर्पुरुष और अक्षर पुरुष के भी नाशवान है, लेकिन जीवात्मा अविनाशी कहा जाता। अब तीसरा है जो परम अक्षर ब्रह्म, आठवें अध्याय के तीसरे मंत्र में जिसके विषय में बताया है, वो 15वें अध्याय के 17वें मंत्र में फिर बताया जा रहा है। उत्तम पुरुष है तो अन्य, उत्तम पुरुष वो श्रेष्ठ परमात्मा, सर्वश्रेष्ठ प्रभु तो अन्य है, कोई और है, परमात्मा इति उदारते जिसको भगवान कहा जाता है। और ये लोकतरम आविश्य विभर्ति, वो तीनों लोकों प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, अवय ईश्वर है, वो अविनाशी परमात्मा है। अब पुण्यात्मा तीन हो गई है, अब ये तीन हो गए, एक सर्पुरुष, एक अक्षर पुरुष और उत्तम पुरुष है तो अन्य परम अक्षर पुरुष। इसको पुरुष कहो चाहे ब्रह्म कहो, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर
तीन में कहा वो परम अक्षर ब्रह्म है। तत्ब्रह्म, तत्ब्रह्म माने भी अर्थ है वो, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, तत्ब्रह्म की शरण में जा, जिसकी कृपा से तो परम शांति और सनातन परम धाम यानी सतलोक जो सदा रहने वाला है, कभी नाश में नहीं आता, उस स्थान को प्राप्त होगा। अब ये तीन कंप्लीट हो गए और ये भी क्लियर कर दिया गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 ने कि उसी से सबका धारण पोषण होता है। तीसरे नंबर के भगवान थे परम अक्षर ब्रह्म थे, आदि पुरुष परमेश्वर से उस जैसे पूरे पेड़ को, उस पूरे पेड़ को यानी पूरे वृक्ष को मूल से जड़ से आहार प्राप्त होता है, यानी सबका धारण पोषण सर अक्षर पुरुष का भी और सर पुरुष का भी और तीनों शाखाओं का भी, ब्रह्मा विष्णु महेश का भी और हमारा भी, सबका उदर पूर्ति वो पूर्ण परमात्मा ही कर रहा है। अब दास ने एक कंसेप्ट क्लियर करना था कि ब्रह्मा विष्णु महेश हमसे दूर नहीं है लेकिन ये पूज्य नहीं है। इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, इस कड़वी दवाई को डाइल्यूट करने के लिए इसमें इतनी सारी औषधि और मिलानी पड़ी, बूरा, खांड, चीनी, मिश्री, ताकि यह गले उतर जाए। अब देखना अपनात्मा, आप कोई आम का पौधा लाए नर्सरी से, उसको कैसे बीजोगे? मिट्टी में जड़ दबाओगे, मिट्टी में जड़ दबाओगे, ये देखिएगा तो वो प्रॉपर वे होगा प्लांटिंग का। ये देखो आप कोई आम का पौधा लाए, ये देखो पूरा, तो उसको कैसे बीजा जाना चाहिए? ऐसे, यानी जड़ को तो डालना गमले में या जमीन में, मिट्टी में, और जड़ की सिंचाई करे। जड़ की सिंचाई करने से जड़ से आहार जाएगा तना में, अक्षर पुरुष में, फिर जाएगा सर पुरुष में यानी काल ज्योति निरंजन में, फिर इसके तीनों पुत्र हैं रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी रूपी शाखाओं में। अभी ये पेड़ बनेगा फिर बड़ा होकर के, तो इन रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी रूपी शाखाएं हमें फल देंगी। अब कोई नहीं कह सकता कि इन टेन यान तोड़ के फेंक दो, इनको छोड़ दो, जड़ जड़ को पकड़ लो। दास का कहने का भाव ये है कि पूजा तो हम करेंगे पूर्ण परमात्मा की, फिर हमारे शुभ संस्कार बनेंगे अकॉर्डिंग टू द शास्त्र वर्षिक की, जो हमने शास्त्र, ये हमारी शास्त्र अनुकूल साधना होगी। और शास्त्र अनुकूल साधना ना करके हम मनमानी पूजाएं करते, ओम नमः नमः शिवाय, हरे कृष्ण, हरे राम, राधे श्याम श्याम, और ये ज्योत निरंजन का अक्षर, वो रणंकार ओंकार, ये मनमुखी साधनाएं हैं। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो कोई सुख होता है, न उनकी गति होती है, न उनका कोई सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात यूजलेस। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 24 में फिर कहा कि अर्जुन इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए, उसके लिए ग्रंथ ही प्रमाण है, किसी की दंत कथा को मत मानना यदि तुम्हें भक्ति सफल करनी है। तो अब ये परमात्मा ने 600 साल पहले कहा था, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जावे, देखिएगा एक साधे सब सदे, इसके साधने से, इसकी साधना करने से ये सारे सदगे पूरा पेड़ प्रफुल्लित हो गया। और हम क्या कर रहे हैं जो मना करता है ये दास, सब साध्य सब जावे, सब साध्य सब जावे। अब दास ये कहता है छोड़ना नहीं किसी को, आप अपने इस वे ऑफ वर्सी को अकॉर्डिंग टू द शास्त्र कर रहे हो। अब इसका आप ऐसे कर लो, तुम उल्टा ठोके बैठे हो सब भक्ति रूपी पौधे को, आपने टहनिया शाखाएं तो गाड़ दी पानी उसमें मिट्टी में, इनकी पूजा शुरू कर रहे हो और जड़ छोड़ दी, ये सारा पौधा सूख गया,
इसलिए भक्ति हीन हो गए, कोई लाभ होता नहीं, फिर शराब शुरू पीने लगे, चोरी करने लगे, जो भगवान ने लाभ देना था वो फिर बिना मिल रहा उतना हो ही नहीं सकता। दास कहता है कि इसको ऐसे कर लो आप, बस इसको ऐसे ना करके इसको छोड़ दो, ये तरीका छोड़ दो और इसको ऐसे कर दो, ऐसे कर लो बस। एक कैसा दे सब सदै, कबीर परमात्मा ने हम पढ़ा भी करते ये वाणी पर पता ना था सिर पर ये कहां फिट हो रही है। एक कैसा दे सब सदै, सब साध्य सब जावे, माली सींचे मूल को ये फले फुले गए। माली माने समझदार व्यक्ति जो प्रोसीजर से परिचित है, वो तो जड़ की सिंचाई करेगा और फिर पूरे रूप से फले फूलेगा। तो ये पौधे जो हमें ये टेंडियां ये शाखाएं हमें फल देंगी, ये ब्रह्मा विष्णु महेश ही हमें वर्क डन देंगे, जैसा किया कर्म ये देंगे और कर्म बनेगा इस अकॉर्डिंग टू द शास्त्र वर्शिप, यानी शास्त्र के अनुसार साधना से हमें फल मिलेगा। अब इसी से संबंधित थोड़ा सा और आपको समझाना होगा। पुणात्माओं आप यहां आ चुके हो, आपने उपदेश ले लिया, आपको लाभ तो आज ही शुरू हो जाएगा। जैसे आप हम बिजली के गुण सुना करते गाते थे मान लीजिए, और जब कनेक्शन मिल जाता है उसका पाने का तरीका अलग होता है, उसके फाइल तैयार करवाओ, उसके जो खर्चा हो खर्चा भरो, फिर लाइनमैन आकर आपका उतार जोड़ देता है। ये दास्तिक लाइनमैन है परमात्मा की पावर के जोड़ने वाला, मुझे अधिकार है, मुझे आदेश दे रखा है और नहीं जोड़ सकता इसको। तो जिस दिन कनेक्शन जुड़ गया उसी समय आपके जाने से पहले लाइट आपके घर पर जाएगी पावर। तो यहां नाम लेते ही आपके घर पर परमात्मा पहुंच जाता है, लेकिन रस्ते में ही आपको ऐसे भ्रमित करने वाले काल के दूत मिलने शुरू हो जाते हैं, कहां से ले गए, कहां फंस गए, वो तो ऐसा है, वो तो गुंडा है, फलाना है, ब्रह्मा विष्णु महेश की बेइज्जती करता है, वो देवताओं की पूजा छुटवाता है, यानी वहां तक आपके कनेक्शन को कटवा देते। अगर आप सीधे इसलिए आपको दास ज्ञान देता है कि आप रस्ते में कनेक्शन ना तोड़ जाओ, फिर होना क्या है, फिर तो बैठे रही हो ऐसे जैसे पहले थे। इसलिए ये ज्ञान आपको तोते की तरह रटवाना चाहता है दास, और आपके हृदय में सत समाना चाहता है। अब इसी से संबंधित है कि वो कैसे फल देंगे। गीता जी अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 15 तक देखिएगा, यही गीता जी और अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 15 तक, ये देखना। और यहां से 10 मंत्र श्लोक शुरू होता है। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा था कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो, यानी अपनी अपना उत्थान करो, और यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। ग्यारहवें में क्या कहा है, इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो। अब ध्यान से देखना, और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करके, उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। अब देखना पर मैं कमाल कर रखा है, यज्ञ के द्वारा बनाए हुए देवता, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, शास्त्र अनुकूल साधना के द्वारा बढ़ाए हुए देवता, ब्रह्मा विष्णु शिवजी रूपी रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिवजी रूपी शाखाएं बढ़ जाएंगी मूल की सिंचाई करने से। बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को वो टहनियां शाखाएं बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे।
आप ना मांगोगे तो भी देंगे, वो ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी शाखाएं वह टाने अब पर फल लागेंगे, दस सिंचाई मूल की कर दी और जड़ गाड़ ली तड़े ने तो सारा सूख गया, देते रहेंगे। अब जैसे आपने दास ने बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश को तोड़ना छोड़ना नहीं है या भक्ति ठीक कर लेनी है, तो मूल की पूजा करेंगे, उस मूल की पूजा करने से तीनों गुण रूपी रजगुण गर्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिवजी रूपी देवता ये टहनी बड़ी होंगी, बढ़ेंगी, उन्नत होंगे, ये बड़े हुए देवता यज्ञ के द्वारा शास्त्र अनुकूल साधना के द्वारा ये बड़ा पेड़ हो गया आपका, और ये फिर ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी शाखाएं आपको बिना मांगे फल देंगे, बिना मांगे लद पद हो जाएंगे, आप पर टूट टूट कर पड़ा करेंगे आपके ऊपर। अब पुण्यात्मा उसी से लिंक है इसका, गीता जी कोई बालकों की बनाई हुई कथा नहीं है या किसी ऋषि महर्षि की नहीं, ये भगवान यानी काल भगवान के द्वारा वो वेद ज्ञान दिया है जो परमात्मा ने इसको आदेश दिया था, उस ज्ञान को इसने बोला। युद्ध कराने के लिए कुछ अटकल इसने अपनी लगाई है वो साफ दिखाई देती है, लेकिन ये ज्ञान इसलिए उसको कि ये ज्ञान उस मूल तत्व ज्ञान से मिलता है इसलिए वो ठीक है। जो तत्व ज्ञान से मिलता है गीता जी का ज्ञान वो तो है वेद ज्ञान, और जो इसने कुछ अपनी अटकल लगाई है वो अलग दिखाई देती है, वो युद्ध कराने के लिए ही बना इसका उद्देश्य था। आगे देखो कितना कमाल करा है। अब बारहवां आपने सुन लिया, तीसरे अध्याय का बारहवां श्लोक, यज्ञ के द्वारा यानी धार्मिक अनुष्ठान शास्त्र अनुकूल साधना के द्वारा देवता लोग बड़े हुए देवता यानी उन्नत हुए हुए टहनियां शाखाएं तुम लोगों को बिन मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे उन देवताओं के द्वारा। और देखो उन देवताओं के द्वारा यानी जो तुम्हारे संस्कार में तुम्हें धन मिला है उस दिए हुए भोगों को जो पुरुष इनको बिना दिए भोगता है वह चोर ही है, सतेन है वो। कहने का भाव यह है कि जैसे परमात्मा ने आपको आपने शास्त्र अनुकूल साधना की और शास्त्र अनुकूल साधना से की हुई आपके पिछले पुण्य संस्कार आपके पास हैं संचित कर्म, उनको में आपको धन मिला है और आप उस धन में से नहीं दान करते हो यानी पूर्ण परमात्मा की पूजा नहीं करते हो। पूर्ण परमात्मा की पूजा करेंगे तीन तक भी जाएगी, ब्रह्मा विष्णु महेश तक जाएगी, वो जड़ से आहार चल के। तो कहते हैं जो बिना इनको दिए ही स्वयं ही भोगते हैं वो तो चोर हैं जो दान नहीं करते दिए हुए धन से, और दान भी फिर कुपात्र को किया हुआ फल नहीं देता, सुपात्र को किया हुआ दान ही फल देता है। तो गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दान और गुरु बिन दोनों निष्फल हैं से पूछो वेद पुराण, और गुरु भी पूरा हो इन अगले गुरुआ का दिया वे बाढ़ में गिर डालना है, इनको देने से कोई लाभ नहीं।